मैंने यहाँ पर दो नंबर ले रखे हैं 43 मल्टीप्लाई बाय 47। यहाँ पर 43 और 47 ना तो 10 के क्लोज है और ना ही 100 के क्लोज है। सो इस सिचुएशन में मैं अनुरूपण मेथड का इस्तेमाल करूंगी। सो लेट्स बेस इज इक्वल टू 100। मैंने यहाँ पर बेस 100 ले लिया है और मॉडिफिकेशन इज इक्वल टू 100 ओवर 2। 2 से जब 100 को डिवाइड करते हैं तो 50 आता है। 50 43 और 47 के क्लोज है। नाउ 43 और 47 इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा 40 आएगा। दूसरी साइड 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 21 आएगा। अब जो हमारा जो 40 था, 40 को डिवाइड कर देंगे 2 से। 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा आएगा 20। 20 और 21 अभी हमारा इन दोनों लेफ्ट और राइट साइड से हमारा जो आंसर आता है वो आता है 2021। हम 100 बेस लेने की जगह 10 भी बेस ले सकते हैं, तभी भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। जैसे हमने अगर हमने बेस 10 लिया है तो उसको मॉडिफाई करने के लिए हम 2 डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 5 के साथ, इज इक्वल टू 50। फिर भी हमारा 50 आएगा। आफ्टर दैट जो हमने प्रोसेस जहाँ पर किया था वही कर देंगे, बस इसकी जगह 40 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 200। और जो हमारा राइट साइड है वो 21 ही आएगा। और जहाँ पर हमें सिर्फ एक डिजिट चाहिए 1 है, तो जहाँ पर जो 2 है वो दूसरी साइड चले जाएगा। 0 की जगह जब 2 आ जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 2021। नॉर्मल मेथड से भी अगर हम 43 और मल्टीप्लाई 47 करते हैं तो भी हमारा आंसर इतना ही आता है।